हाई वोल्टेज ड्रामे की ये तस्वीरें जालौन जिले के उरई थाने की है, जहां पत्नी ने अपने सिपाही पति को बीच बाजार में ही पीटना शुरू कर दिया। बीच सड़क पर सिपाही की पिटाई होते देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब 20 मिनट तक सड़क पर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। ये मेरा आदमी है, संतोष कुमार यादव, मैं कमार जात की महिला हूँ। इसने दूसरी औरत के साथ चोरी से ये रामपुरा में किराए से रूम लेकर के रह रहा है और मेरे को रख रहा है पटेल नगर में बल्लू महाराज के मकान में चोरी से रख रहा है। ये बनाई ये चोरी से रख रहा है और मुझसे कह रहा है ये मेरी बच्ची है, जरा सी ये है ये मेरी बच्ची दो माई की मेरी बच्ची है। ये कहता है नहीं मेरी बच्ची है, नहीं मेरा बच्चा है, इसका बच्चा है। डकैती तो नहीं डाल रही, अपने आदमी से बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। आ रहा है बताओ। पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसके साथ वो रामपुरा थाना क्षेत्र में किराए के घर में रहता है। जब उसे शक हुआ तो वो मौके पर पहुंची, लेकिन पत्नी ने उसे भगा दिया। जब मैंने वहां जाके देखा तो इसकी पत्नी श्रीमती ममता यादव और ये इसके तीन बच्चे, इनका भतीजा है जो शिव नारायण यादव, वहां पर मुझे मिले, उसने मुझे मारा। तो इन्होंने आपसे दूसरी शादी की है कैसे? जी, ये सन 2015 में आटा थाना चौकी टोरा में पोस्ट थे। मेरे दादाजी से इनका संपर्क हुआ, मेरे घर इनका आना जाना हुआ। इसके बाद इन्होंने मुझे देखा, मैं स्टाफ नर्स पढ़ाई कर रही थी, इन्होंने मेरे साथ, इसके बाद मेरी इनके साथ शादी हुई 5 फरवरी 2019 को। शादी पहले क्या ये जानकारी थी आपको कि शादी पहले हो चुकी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वही जब महिला के आरोपों पर सिपाही से सवाल किया गया तो उसने माना कि उसने दो शादी की है, लेकिन इस बारे में सबको जानकारी है। हाँ, पत्नी हम मानते हैं। हाँ, तो अच्छे ढंग से इसको रख भी दें। तो आपने कितनी शादी की है पहले तो ये कहिए। शादी तो बताइए कि बता दो कितनी शादी की है। हाँ, आप बताओ ना, शादी तो आपने करी ना। हमारी पहली पत्नी है, ये दूसरी पत्नी है। इनका ये आरोप है कि आपने जब इनसे शादी की तो ये बताया नहीं कि आप विवाहित हैं या अविवाहित? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, झूठ बोल रही है। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दंपति को अपने साथ कोतवाली ले गई, जहां सिपाही की पत्नी ने उस पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है और कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जालौन से मुवीन खान की रिपोर्ट।